सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं वेजिटेबल सूप। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैं ये सूप कढ़ाई में बना रही हूँ। आप एक कढ़ाई ले लीजिए, अब आप इसमें देसी घी डाल दीजिए। अब आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकती हैं, मैंने ग्रेट करके डाला है। और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। जब अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए तो आप इसमें पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट कर डाल दीजिए। अब आप इसमें शिमला मिर्च डाल दीजिए, गाजर को भी ग्रेट करके डाल दीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लीजिए। अब आप इसमें कॉर्न डाल दीजिए। आप अपने मन की कोई भी सब्जी डाल सकती हैं। अब आप इसमें काली मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। और इसको भी मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें पानी डाल दीजिए। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें नूडल्स डाल लीजिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मत डालिए। अब आप इसमें रेड चिली सॉस डाल दीजिए। सोया सॉस डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसको बिना सॉस के भी बना सकती हैं। और इसमें विनेगर को भी डाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें टमाटो सॉस डाल दीजिए। आप टमाटो सॉस के बदले चीनी भी डाल सकती हैं। थोड़ी सी चीनी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने इसमें टमाटो सॉस और चीनी दोनों डाली है।
और इसको बॉयल आने दीजिए। जब इसमें बॉयल आने लगे तो आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिए और उसको पानी में घोल लीजिए और धीरे धीरे इसमें डालती जाइए और हिलाती जाए। मैंने कॉर्नफ्लोर सूप को गाढ़ा करने के लिए डाला है। जब सूप गाढ़ा हो जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए। अब वेजिटेबल सूप बनकर तैयार है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।